नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं जो कि साधना के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और जो लोग तंत्र मंत्र की साधना करते हैं उनके लिए इन नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। लेकिन साल में आने वाले 2 नवरात्रे जो कि वासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र कहे जाते हैं, इनका उतना ही महत्व है गृहस्थियों के लिए भी जितना कि तांत्रिकों के लिए। और गृहस्थी लोग जोर शोर से माता जी की पूजा करते हैं, अपनी श्रद्धा भाव अभिव्यक्त करते हैं। बासंती नवरात्र प्रारंभ हो ही रहे हैं और नवरात्रों में सबसे खास बात ये होती है कि जिन चीज़ों की आप पूजा करते हैं उनसे आपके ग्रहों की भी शांति होती है, जिसका कि आपको पता नहीं होता है। लेकिन हमारे जो रीति रिवाज बने हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो रीति रिवाज बनाए हैं धार्मिक, उनके मूल में पूरी साइंस है और उसके ज़रिए आपको पता भी नहीं चलता है कि आप डेली पूजा में, वीकली पूजा में या टाइम टू टाइम जो भी आपके उत्सव व्रत वगैरह आते हैं, उपवास वगैरह आप करते हैं, उनका पूरा वैज्ञानिक महत्व है और उनके द्वारा आपके ग्रहों की शांति होती है। यही कारण है कि आपका जीवन खुशहाल बना रहता है। तो नवरात्रों में ऐसी क्या चीज़ आपको रखनी चाहिए अपनी पूजा थाली में जिससे कि आपके पाप ग्रह शांत हों? वैसे तो आप रूटीन में रखते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं और उन्हीं को याद दिलाने के उद्देश्य से आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पूजा थाली में रखने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जिनको शुक्र बहुत पीड़ित कर रहा हो, जी हाँ, जिनको शुक्र बहुत पीड़ित कर रहा हो, वो सामान्य जो चावल पूजा में रखते हैं उस पर ध्यान दें। कई बार टुकड़ी वाले चावल लोग रख लेते हैं जो कि गलत होता है। इसके अलावा कई बार जो पूजा का किट आता है उसमें भी मैंने चेक किया था, उसमें साबुत चावल नहीं आते हैं। तो जो चावल का दाना है जितना लंबा होगा, साबुत होगा, और वो आप पूजा में रखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, आपके शुक्र ग्रह की भी शांति होती है, शुक्र ग्रह की अनिष्टता का निवारण होता है। ये चावल आप चिड़ियों को खिलाते हैं पूजा के पश्चात तो उससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कई लोगों की मैंने मानसिकता देखी है कि भाई पूजा पाठ के चावल है, सस्ते वाले ले आओ। ये मानसिकता ही मित्रों सबसे बड़े जड़ है आपकी समस्याओं की, क्योंकि हर चीज़ में आप लाभ हानि का विचार किए बिना जब कोई काम करते हैं तभी भक्ति की पूर्णता को आप प्राप्त करते हैं। तो ये विचार ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि जो गरीब आदमी है उसको पूजा का हक नहीं है, लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो इस तरह का दृष्टिकोण आप ना रखें कि सस्ते वाले चावल, महंगे वाले चावल। जो होल साबुत चावल लंबे अच्छे होते हैं जिनमें टुकड़ा नहीं होता, वही श्रेष्ठ होते हैं पूजा के लिए, और उससे आपके शुक्र ग्रह को बल मिलता है, शांति होती है शुक्र ग्रह की। अब मैं बात करती हूँ रोली। जो पूजा में आप रोली रखते हैं उससे आपके मंगल दोष दूर होते हैं, मंगल ग्रह की शांति होती है। सुपारी भी जो पूजा में रखी जाती है उससे भी आपके मंगल दोष की शांति होती है, मंगल ग्रह की शांति होती है। इसके अलावा पूजा में जो दूर्वा रखी जाती है उससे बुध ग्रह को बल मिलता है, बुध ग्रह की अनिष्टता का निवारण होता है। जौ राहु का प्रतीक है और राहु की शांति होती है जब पूजा में आप जौ रखते हैं। गेहूं से सूर्य की शांति होती है जब आप पूजा में रखते हैं। इसी प्रकार से जो दीपक की लौ जब आप प्रज्वलित करते हैं और उसमें घी का प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, ये सब बृहस्पति की कारक चीज़ें हैं और बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सारी चीज़ें जो हैं ग्रहों के आधिपत्य में आती है। इसके अलावा आप जब आप माता जी का भजन जब गाते हैं, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया, ध्वजा का शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? ध्वजा जो है वो केतु का प्रतीक है, केतु की शांति होती है ध्वजा चढ़ाने से। तो छोटी सी एक ध्वजा भी पूजा में जरूर रखनी चाहिए, यदि आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो ध्वजा आपको चढ़ानी चाहिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो आपका बैठने का आसन होता है, अगर कुश का आसन है तो वो भी केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और केतु की शांति होती है। तो इस जटा वाला जो नारियल होता है मित्रों, वो भी आपके राहु को शांत करता है। मतलब कुल मिला के कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आपके ग्रहों को बल मिलता है और ग्रह की शांति होती है। जब आप दूध, दही या खीर इन चीज़ों का भोग लगाते हैं, बताशों का भोग लगाते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है, चंद्रमा को बल मिलता है। आपने देखा होगा देवी देवताओं को जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है उसमें ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। इसके पीछे कारण भी यही रहता है कि हमारे शरीर को आरोग्य प्राप्त हो, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, हमारी जो मानसिकता है वो शुद्ध हो, ये सारी चीज़ें वही काम करती हैं और पूजा के ज़रिए हम इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं। तो इस तरह से आप पूजा पाठ में अपनी मानसिकता को अच्छा रखें, लाभ हानि का विचार किए बिना माता जी की पूजा करें, माता जी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। सिर्फ अपने मन में मलिनता ना आने दें मित्रों। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।